दोस्तों लापता लेडीज देखकर आ रहा हूँ थिएटर्स में एंड लेट मी टेल यू इट्स अ परफेक्ट फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म। बहुत ज्यादा कॉमेडी है, बहुत फिल्म आपको हंसाएगी एंड आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिल्मी बैटरी, आई एम दीप। लापता लेडीज देखा मैंने थिएटर्स में, 2 घंटे 6 मिनट की ये फिल्म है। परफेक्ट इसमें कॉमेडी है, 2001 का इसमें स्टोरी लाइन चलता है फिल्म में, जहाँ एक गाँव में दीपक कुमार की शादी हो रही होती है और शादी के बाद उनकी बीवी गुम हो जाती है। फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है बट इतनी इफेक्टिव है और छोटे छोटे फिल्म में सीन्स हैं जिसके थ्रू एक बहुत ही इम्पैक्टफुल मैसेज मैं कहूँगा आपको कन्वे किया जाता है। गांव में किस तरीके से जो विमेन है उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, कितना उनका बाउंडेशन होता है, क्या क्या उनको फैमिली में सहना पड़ता है, छोटी सी उम्र में शादी से लेके उनकी एजुकेशन तक कितना उनकी लाइफ इन सब चीज़ों से अफेक्ट होती है, ये सब कुछ इस फिल्म में दर्शाया गया है और बहुत ही खूबसूरती से गांव की एक लाइफ बताई गई है। सिनेमाटोग्राफी की अगर बात करें तो जो सीन्स इसमें शॉट किए गए हैं और बारीक से बारीक चीज का जो ध्यान रखा गया है, आफ्टर ऑल आमिर खान का प्रोडक्शन है, किरण राव ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखा गया इस फिल्म में। जो फिल्म में स्टारकास्ट है उनके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे बट फिर भी आप ये फिल्म देखते जाएंगे बिकॉज ऑफ द नेम आमिर खान प्रोडक्शंस। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और बहुत टाइम के बाद एक फ्रेश और यूनिक कॉन्टेंट देखने को मिला है। कुछ भी इसमें फालतू का सीन नहीं है, ना एडल्ट सीन है, एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है। एज अ मूवी रिव्यूअर फिल्म देखते देखते आपको लगता है कि ये सीन थोड़ा और बेटर हो सकता था, यहाँ पे थोड़ी कमी रह गई, बट इस फिल्म को देखने के दौरान मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है जहां मैं कुछ पॉइंट्स को फिगर आउट कर रहा था कि ये बेटर हो सकता था, इस सीन को और अच्छे से किया जा सकता था। एंड तक फिल्म खत्म होते होते मेरा ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो गया था। मतलब फिल्म अपने कुछ कमियों को भी इतने अच्छे से ओवरकम करती है क्लाइमेक्स तक आते आते कि आप बिल्कुल फिल्म की कमियां हटा के आप बिल्कुल पॉजिटिव चीजें देखते हैं और फिल्म को पसंद करते हैं। तो एज एन ऑडियंस पैसा वसूल पिक्चर है और मुझे लगता है कि अगर फिल्म के कॉन्टेंट में दम है तो डजेंट मैटर कि आप किसे स्टार कास्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स या एक्ट्रेसेस रखने की आपको जरूरत नहीं है, फिल्म के कंटेंट में दम होना चाहिए और कुछ ऐसा ही लापता लेडीज ने कर दिखाया है। फिल्म में डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, गाने भी 2 या 3 हैं और जिस टाइमिंग पे सजनी वाला सॉन्ग इस मूवी में आता है जिसको अरिजीत सिंह ने गाया है वो आपको इमोशनल कर देता है। इसके अलावा काफी सारे इम्पैक्टफुल सीन्स हैं इस फिल्म में। कुछ सीन्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, एक तो जब दीपक कुमार और उनकी वाइफ का कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है जहाँ दीपक कुमार इंग्लिश में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, दूसरा रवि किशन और प्रदीप सिंह का जो पुलिस स्टेशन में कॉन्वर्सेशन होता है वो बहुत ही मजेदार है, देखने लायक है और आपको बहुत बहुत मजा आएगा। और स्टार्टिंग में जब दीपक कुमार अपनी वाइफ को लेके आते हैं गाँव में और उनका जो फ्रेंड का डांस होता है वो बहुत ही कमाल का है। सारे ही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की एक्टिंग बहुत अच्छी है बट रवि किशन और छाया कदम का जो रोल है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। रवि किशन ने एज अ पुलिस इंस्पेक्टर बहुत कमाल की एक्टिंग करी है और छाया कदम भी जो रेलवे स्टेशन में एक टी स्टॉल चला रही होती है उनका रोल भी बहुत ही अच्छा है, ऐसा लगेगा एक मदर बिल्कुल अपनी बेटे के लिए कुछ कर रही है। इसके अलावा जो प्रतिभा और नितांशी का जो रोल है जब दोनों गुम हो जाते हैं और उसके बाद जो उनकी लाइफ दिखाई गई है, जहाँ फूल कुमारी का रोल एक इनोसेंट गर्ल का है, आपको उनको देख के लगेगा कि वाकई में उनकी कम उम्र में गांव में शादी कर दी गई है, उनका जो रोल है और एक सीन आता है जब उन्हें पैसे मिलते हैं खाना बनाने के लिए वो सीन भी बहुत टचिंग है। और वहीं पुष्पा रानी का जो कैरेक्टर दिखाया गया वो काफ़ी शेडी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दीपक कुमार ने भी नो डाउट बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग उन्होंने करी है। सो ओवरऑल मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई। इसका पोस्ट रिलीज जो है वो नेटफ्लिक्स पे होने वाला है एंड आई विल डेफिनेटली लव टू वॉच। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 4.5 out of 5। ये मूवी काफ़ी अलग जॉनर की है, कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। आजकल जहां टेररिज्म पे या फिर बहुत ज़्यादा एक्शन मूवीज बन रही है, इंडिया पाकिस्तान सब्जेक्ट पे बन रही है, वही ये फिल्म एक अलग जॉनर की है और बहुत सही टाइमिंग के साथ इसे रिलीज़ किया है आमिर खान ने एंड आई एम वेरी श्योर लापता लेडीज़ मूवी को लोग याद रखेंगे। बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। फिल्म का जो बजट है वो केवल 5 करोड़ का है, काफ़ी कम बजट पे ये फिल्म बनी है। फर्स्ट डे का जो इसका कलेक्शन आया है वो 75 लाख का आया है, ओपनिंग डे फिल्म ने 75 लाख का कलेक्शन किया है जो कि कम स्टेडी कलेक्शन बोल सकते हैं, बट सेकेंड डे फिल्म ने 93% की ग्रोथ देखी है। फिल्म का कलेक्शन था 1.6 crore। आज जिस टाइम पे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, डे 3 का जो कलेक्शन आने वाला है जिसके प्रेडिक्शंस अच्छे स्ट्रॉन्ग है, बोला जा रहा है कि फिल्म 1 से 1.5 crore का बिजनेस कर सकती है। ये सारे कलेक्शंस में हम अगर ओवरसीज कलेक्शंस को ऐड कर दें तो फिल्म ने 3.5 crore का ऑलमोस्ट बिजनेस कर लिया है। तो डेफिनेटली फिल्म में काफ़ी पोटेंशियल है और ये आराम से
30 से 40 करोड़ का बिजनेस कर सकती है एंड आई होप सो इट हैपेंस। फिल्म में बहुत ही बढ़िया काम किया है, चाहे डायरेक्शन की बात करें चाहे फिल्म एडिटिंग की बात करें। किरण राव ने 12 साल के बाद कमबैक किया है फिल्म इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर और उन्होंने बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन दिया है इस फिल्म को। स्क्रिप्ट भी फिल्म की बिप्लब गोस्वामी जी ने लिखी है एंड ही हैज़ डन सच अ रिमार्केबल जॉब विद द स्क्रिप्ट। बहुत ओरिजिनल है और बहुत ही फ्रेश कॉन्टेंट है। इसके अलावा जवीन मर्चेंट ने फिल्म की एडिटिंग करी है एंड फुल मार्क्स टू हर फॉर अ ब्रिलियंट एडिटिंग। बहुत ही बढ़िया काम किया है उनने भी। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताता हूँ। जो दरोगा का रोल है वो पहले खुद आमिर खान करने वाले थे। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने जब रवि किशन का ऑडिशन देखा तो ही चेंज्ड हिज माइंड और रवि किशन ने फाइनली इस रोल को किया। दूसरा, किरण राव 12 साल के बाद कमबैक करी है। जो उनकी लास्ट डायरेक्टेड मूवी थी वो धोबी घाट थी, बट वो चली नहीं थी, बट लापता लेडीज आई एम वेरी श्योर अच्छा कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने लापता लेडीज़ देख ली है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं कि फिल्म आपको कैसी लगी। मैं जल्द मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ दीप साइनिंग ऑफ। बाय।